सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम डॉक्टर मोहन नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सागर पहुंचे और यहां पर सीएम मोहन का बहनों ने फूलों से स्वागत किया और जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने बुंदेली परंपरा से स्वागत किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे के मुखिया ने देखिए कमान संभाली है और ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत सूबे के मुखिया आज जब यहां पर पहुंचे तो यहां पे भव्य स्वागत किया गया। सागर पहुंचने पर सूबे के मुखिया का गर्मजोशी से स्वागत। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके यहाँ पे महिला कार्यकर्ताओं के बाद लाडली बहनें देखिए सूबे के मुखिया का स्वागत कर रही हैं और नारी शक्ति वंदन ये कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं ने ताबड़तोड़ एक खूब आशीर्वाद बीजेपी सरकार पर को दिया था और खूब प्यार लुटाया था और उसी के मद्देनज़र आज एक बार फिर से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और यहां पे तैयारियां भी चाक चौबंद है। कार्यकर्ताओं ने बुंदेली परंपरा से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। लगा करके अपने जीवन से सारे बदरंग धोने का संकल्प लेते हैं और दिवाली के दिन खूब अंधेरी रात में एक दिया लगा करके जीवन के सारे कष्ट दूर करके सूर्य संस्कृति के आधार पर हम परमात्मा से जोड़ने के लिए ये शरीर के अंदर आने वाली आत्मा ज्योति स्वरूप आती है और जिसने जन्म लिया है उसको आखिरकार ये शरीर छोड़ना है। आने और जाने के क्रम में परमात्मा वो पवित्रता हमारे जीवन में बनाए रखे। भूल से भी हमारे हाथ से गलत काम नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, किसी का दिल नहीं दुखाए, सबको लेके चले। ये प्रत्येक त्योहार हमको संस्कृति सिखाते और धर्म सिखाते हैं, इसी को हमने मानव धर्म कहा है। आज के इस अवसर पर बुंदेलखंड की धरती पर चूंकि चुनाव के मौसम में मैं आया हूँ, मैंने कहा तिथि से ज्यादा पवित्र हो ही नहीं सकता कि भाई दूज मिल जाए। ये परमात्मा की दया, बहनों को नमस्कार करके बहनों का हाथ में क्या होड़ मची है। मैं बहनों से कह रहा था केवल इसी हाथ में क्यों बांध रहा हूँ, ये कोई दूसरे ने थोड़ी दिया, ये भी भगवान ने ही दिया है। ये हाथ कम पड़ गया तो दूसरे पे बांध बांध करके बहनों ने प्यार जुटाया। मैं आपको बिलहरी की सारी बहनों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्या जमाना है, क्या नेता है, क्या व्यक्तित्व है उनका। दुश्मन भी तरसते हैं वर्तमान के राजनीति के नक्षत्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है और खास करके बहनों के लिए तो जो प्यार लुटा रहे हैं आप अंदाज तो लगा लो। बहन के कष्ट को अगर सबसे पहले किसी ने समझा है, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि हमारा स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। और लाल किले से कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छता का महत्व, घर को साफ सुथरा रखना, ये हम सबकी जवाबदारी। हजारों हजार साल से बहनें हमको बताती आई, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भी नगर भी साफ रखना, गांव में भी सफाई रखना, और सफाई से कोई घृणा मत करो। और हमारे यहाँ तो स्वच्छता के प्रतीक लक्ष्मी जी हम हजारों साल से जानते थे, लेकिन किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया और माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, मेरे पहले एक हमारी विधायक थी प्रीति भार्गव जी, गोविंद भैया, भूपेंद्र भैया, मेरी आपने उज्जैन से पूर्व विधायक, मैं उज्जैन का विधायक बना, उज्जैन दक्षिण का, जहाँ 20% गांव थे। तो गांव के अंदर विधायक जाता है तो प्रीति भार्गव जी ने कहा भैया आप कुछ करो मत करो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप विधायक बने हो, एक बात का ध्यान रखना, गांव गांव में कैसे भी करके कुछ आप सार्वजनिक शौचालय बना देना। मेरे पल्ले नहीं पड़ी, क्यों? बोले आपको नहीं मालूम गांव के अंदर ये लेटरिन की समस्या इतनी परेशानी वाली रहती है कि माताएं बहनें सूर्य का उजाला जब हो जाता है तो अपने पेट के अंदर आने वाली तकलीफ को कैसे दम मार के वो कैसे दिन गुजारती है, उस कष्ट को आप नहीं समझ सकते, ये बहने ही समझ सकती है। मेरे वास्तव में उस दिन हिल गया, उन्होंने कहा आप अपनी विधायक निधि से ये मदद कर देना। मैं तो इस बात को सुन के डर गया था कि इतना बड़ा छोटा सा काम मैं समझा, लेकिन इतना बड़ा काम था, हर गांव में मैं कहां से कर दूंगा, वाकई बड़ी बात थी।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनने गांव गांव के अंदर घर घर में ये अभियान चलाकर शौचालय के आधार पर जीवन में कितना पुण्य का काम है, लेकिन कितनी जरूरी बात है अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, भारत की दुनिया में अच्छी एक छवि बनाने के लिए कितना आवश्यक था। इतने साल कांग्रेस की सरकार थी, उनने कभी माता बहनों की इस कठिनाई को नहीं समझा जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। एक बार जोरदार ताली बजाकर वाकई में